लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पंचायती नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान के साथ तबादले ख्याल किया। इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाना है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती नुमाइंदों को हर तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। उनके जो भी मसाइल होंगे उनको हल करने के लिए मजीद इकदाम उठाए जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सयाहती मकाम गुलमर्ग और निवजीन उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा के साथ खास बातचीत की। सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैरमकदम है, और इससे पहले आप सयाहती मकाम गुलमर्ग में हैं, ये हसीन वादियों में आपने यहाँ पे डीडीसी के जो चेयरपर्सन है या डीडीसी के उनके साथ इंटरेक्शन आपका हुआ, तो क्या इंटरेक्शन रहा आज दिन? हमारी ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी मजबूत हो, सशक्त हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, जनता की सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए हमने व्यापक रूप से सभी प्रतिनिधि से चर्चा की। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर नीचे तक हल्का पंचायत तक यहाँ के सरपंच जिस अपेक्षा आकांक्षाओं से काम कर रहे हैं, लोगों की सक्रिय भागीदारी पंचायत में है, लोगों की भावनाएं, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पंचायत योजनाएं बना रही, काम कर रही है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। इससे हमारा नीचे तक का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, इसलिए जनता की वास्तविकता की विकास हो चाहे अन्य मुद्दों, उनको ज़्यादा पता रहता है उन मुद्दों का कैसे समाधान हो सकता है। ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा चर्चा संवाद और बना रहे, ताकि हम लोगों की बेहतरीन के लिए काम कर सकें। उन्होंने कुछ मसाइल उठाए हैं, क्योंकि उन मसाइल को लेकर क्या कितने आप इकदाम उठाने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो पंचायती राज है उनके जो मसाइल है, जो बीडीसी हो, डीडीसी हो या सरपंच हो, तो कब तक उनके मसाइल जो है वो ग्रास रूट लेवल पर हल होंगे? जो उनके मुद्दे थे वो कार्यपालिका के संबंधित थे, कार्यपालिका के अधिकारी भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने उनका जवाब दिया है। मैंने कार्यपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों का कैसे समाधान हो सकता है, कैसे हम जनप्रतिनिधि जो जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को आपके सामने रख रहे हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, ताकि हम जनता के प्रति और जवाबदेही से काम कर सकें। हमारा कार्यपालिका का काम होना चाहिए कि हमारा एग्जीक्यूशन ठीक हो, लोगों के लिए हो, लोगों की बेहतरीन के लिए हो, ये काम सभी कार्यपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए। सर, इससे हट के एक सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पे सरपंच है, पंच है, पिछले गुज़श्ता कई महीनों से हमने देखे अटैक्स हो रहे हैं उन पे, तो सिक्योरिटी को लेकर ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनकी हिफाजत के लिए जो होना चाहे वो उसमें मायूस नज़र आ रहे हैं, तो कितनी ज़रूरत है उनको ताकि सिक्योरिटी उनको हो, उनकी जान बच जाए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा भी है आपके? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के कोई जनप्रति मायूस है, मेरे को जितने जनप्रति मिले उनमें व्यापक आत्मविश्वास है, विकास के प्रति प्रतिबद्धता है, अपनी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, देश के प्रति प्रतिबद्धता है, और वे चाहते हैं कि हम चाहे कितनी भी भौगोलिक चुनौतियां हों, कितनी भी हमारे लिए चुनौतियां हैं, हर चुनौतियों के बीच में वो जनता की बेहतरीन के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, सुविधाजनक हो सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास और है और आत्मविश्वास और बढ़ा है, मैं धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस चुनौती के साथ ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी इस चुनौती से मुकाबला करने में और उनको शक्ति मिलेगी और सामर्थ्य मिलेगा। यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आखिरकार टूरिज्म के हवाले से भी हम बात करेंगे उसको, ताकि बढ़ावा मिलेगी? देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हमारे माननीय संसद सदस्य भी यहाँ, संसदीय समिति आई हैं, संसद सदस्य आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में इस इलाके में और पर्यटक आएंगे, देशी आएंगे, विदेशी आएंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के गांव आत्मनिर्भर होंगे, आने वाले समय में रूरल टूरिज्म भी बढ़ेगा, ग्रामीण पर्यटन बढ़ने से लोगों को रोज़गार मिलेगा,
और यहाँ पर विंटर सेशन के अंदर भी जो स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होती है उसका भी बहुत बड़ा हब बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि विंटर के अंदर भी यहाँ और पर्यटन लाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो पंचायती राज है उसको मजबूत तर बनाया जाएगा और साथ ही यहाँ की सयात है उसको फरोग दिया जाएगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18।